एशिया के नंबर वन बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता दोस्तों, और उनके जियो को कौन नहीं जानता, रिलायंस इंडस्ट्री को दोस्तों। जियो मोबाइल और जियो मार्ट के सफलता के बाद जियो ने पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी कर ली है। रिलायंस ने कंपनी जियो के नाम से हज़ारों पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसके लिए बड़ा मौका है दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी कि बीपी ने रिलायंस के फ्यूल रिटेलर वेंचर में $1 अरब का निवेश कर लिया है दोस्तों, और 49% हिस्सेदारी ले ली है दोस्तों। दोनों कंपनियों के बीच इस डील का ऐलान पिछले साल हुआ था, लेकिन ये डील अब पूरी हो चुकी है। इसके बाद रिलायंस और बीपी मिलकर रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। ये कंपनी जियो बीपी ब्रांड के नाम से काम करेगी। इसके बाद रिलायंस के पेट्रोल पंप का नाम बदलकर जियो बीपी किया जाएगा दोस्तों, और आगे इसी के नाम से इस पेट्रोल पंप को खोला जा सकेगा दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि रिलायंस के साथ जुड़कर कोई भी जियो पेट्रोल पंप खोल सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है। अगर कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहता है और इसके लिए ज़रूरी पूंजी का निवेश करने और दूसरी शर्तों का पालन कर सकता है, वो आने वाले समय में अंबानी से जुड़कर बिजनेस करने का शानदार मौका पा सकता है दोस्तों। रिलायंस बीपी पेट्रोल पंप खोलने के लिए वही नियम लागू होंगे जो देश भर में दूसरे पेट्रोल पंप खोलने के लिए लागू होते हैं। पेट्रोल पंप खोलने के लिए उम्र जो है 21 से 60 साल होनी चाहिए, और पेट्रोल पंप खोलने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का निवेश करना होगा। 100 से 1600 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। शहर में 800 स्क्वायर फीट की अगर जगह है तो उसे भी काम चल सकता है दोस्तों। बात कर लें कि मुनाफा कितना होगा इसमें, तो दोस्तों रिलायंस बीपी पेट्रोल पंप खोलने पर लागत और खर्च को घटा दे तो प्रति लीटर अगर 2 से 3 रुपये की भी बचत होती है। अगर कोई 5000 लीटर रोज बेचता है या तो उसको भी 10000 रुपये की बचत होगी। जमीन और दूसरे कागजात का वेरिफिकेशन होने के बाद महीने भर में इसकी डीलरशिप मिल सकती है दोस्तों। इस पेट्रोल पंप खुलने के साथ ही दोस्तों करीब 80,000 लोगों को नौकरी का मौका भी मिल जाएगा दोस्तों। इस नए वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि RBML का मकसद मोबिलिटी और लो कार्बन सॉल्यूशन का मार्केट लीडर बनना है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के जरिए ये भारतीय कंज्यूमर्स के लिए फ्यूल का क्लीन और अफोर्डेबल विकल्प पेश करना चाहती है दोस्तों। एक जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता दें कि भारत के अगले 20 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ईंधन बाजार बनने वाला इंडिया होगा दोस्तों। इस दौरान देश में यात्री कारों की संख्या में लगभग 6 गुना वृद्धि होने का अनुमान है दोस्तों। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप के अलावा कंपनी के अन्य तरीकों से जुड़ने का भी मौका मिल रहा है लोगों को। लुब्रिकेंट्स, ट्रांस कनेक्टेड फ्रेंचाइजी, A1 प्लाजा फ्रेंचाइजी, एविएशन फ्यूल से लेकर अन्य तरीके के कंपनी से भी जुड़ने का मौका देती है अगर आप इससे जुड़ते हैं तो। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म है, उसको आपको फिल करना होगा, आवेदन करना पड़ेगा। जियो बीपी कंट्रोल पंप अगर चाहिए तो आपको कुछ जानकारी और कंपनी को देना होगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल के अलावा अपने शहर राज्य का नाम मांगा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ दोस्तों पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस चाहने वाले को अगर व्यक्ति की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास 10वीं पास का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप ये शर्त पूरी करते हैं तो आपको पेट्रोल पंप मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि जिस ज़मीन पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उसके कागजात पूरी तरीके से साफ़ सुथरे होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई घमंजा नहीं होना चाहिए। और जिस ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वो ज़मीन कृषि भूमि है तो आपको उसको गैर कृषि भूमि करवाना होगा दोस्तों। और यदि ज़मीन खुद की नहीं है तो ज़मीन के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इस ज़मीन में पानी और बिजली का कनेक्शन होना चाहिए दोस्तों। यदि ज़मीन लीज पर ली है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए दोस्तों। यदि ज़मीन खरीदी है तो आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड होना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स।